काशी की शान अगर गंगा है तो एक पहचान यहाँ की बनारसी साड़ी भी है। बनारसी साड़ी को बनाने वाले वो बुनकर भी हैं जो आज गुमनामियों के अंधेरों से अकेले लड़ रहे हैं। बुनकरों के अच्छे दिन लाने के लिए भले ही कई योजनाएं वजूद में आई हों, लेकिन काशी पहुंचते पहुंचते सब योजनाओं का अंत सा हो जाता है। यही अंत बुनकरों को अंतहीन दर्द दे रहा है। एक सर्वे के मुताबिक साल 2010 में काशी में करीब 66,000 बुनकर काम करते थे, लेकिन ठप होते हैंडलूम उद्योग ने कई बुनकरों की कमर तोड़ दी। आलम यह है कि अब काशी में बुनकरों की तादाद 66,000 से घटकर महज 15,000 के करीब हो गई। दो हजार 2014 के जुलाई महीने में केंद्र सरकार ने एक सर्वे कराया। सर्वे में ये बात सामने आई कि बुनकर बहुत तेजी से अपना काम छोड़कर मजदूरी का काम कर रहे हैं। वाराणसी जनपद में 2010 में जहां 67,000 से ज़्यादा बुनकर परिवार थे, 2014 में उनकी संख्या करीब करीब 15,000 तक रह गई थी। इस सर्वे रिपोर्ट ने सरकार के कान खड़े कर दिए। सरकार ने इस पर तत्काल प्रभाव से ये निर्णय लिया कि अब हर साल 7 अगस्त को वो नेशनल हैंडलूम डे मनाएंगे। इसके साथ ही बुनकरों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, उनकी अलग से कुंडली तैयार की जाएगी। जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ से सांसद चुन के गए, हमारे बुनकर समाज को बड़ी उम्मीद थी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अच्छे दिन का सपना दिखाया है, तो हम बुनकर के अंदर बड़ी उत्साह था कि वो बनारस के लिए कुछ करेंगे। लेकिन बनारस में बुनकर बद से बदतर स्थिति में पहुंच गया है। कारोबार दिन ब दिन, बनारसी साड़ी जो प्राचीन कला थी, पूरे दुनिया में मशहूर थी, वो विलुप्त होती चली गई। यहाँ पे बुनकर साड़ी जो बुनकर बिनते थे, वो मजदूरी ज़्यादा उस पर गिरती थी। उनके मुद्दा हथकरघा से बिनते थे, उसकी उतनी मजदूरी उनको नहीं मिलती थी, उसका जो लागत था वो नहीं मिलता था। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे ये कला जो है विलुप्त होती गई। और ज़मीन पर तो उनके कोई काम दिखाई भी नहीं दे रहा। आज 2.5 साल 3 साल की अवधि हो गई, बनारस में सड़कों की स्थिति आप देख ही रहे हैं, तो बनारस में यातायात की स्थिति आप देख रहे हैं, बनारस में कारोबार की स्थिति आप देख रहे हैं। पूरा बनारस इस वक्त परेशान है हर चीज़ से, और बनारस की अर्थव्यवस्था लगभग 90% बनारसी साड़ी और कपड़ों के कारोबार से चलती है। जैसे हमारे एक भाई ने कहा कि अगर मोहम्मद अली की बुनकरी में जैसे कमाई नहीं हुई तो जायसवाल साहब भी परेशान हो जाएंगे, गुप्ता साहब भी परेशान हो जाएंगे। तो ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, और यहाँ पर मोदी जी से जो उम्मीदें थी यहाँ के बुनकर, खास तौर से बुनकर समाज को, उन उम्मीदों पर मोदी जी एकदम खड़े नहीं उतरे। ये हमारे बात नहीं करते, वो अपने लिए बात करते हैं। पहले आपके नाम पर बस मेरे नाम पर पैकेज एड कराते हैं और अपना भोबस भरते हैं, पेट अपना भरते हैं। जनता तक पैकेज आता ही नहीं है, ना कभी आया है ना आएगा। सन 1986 के पहले जो यूपी के अंदर जो बुनकर थे, उनकी ज़िंदगी आज से बेहतर थी। उस समय सरकार जो थी तो उन्होंने यूपिका और यूपी हैंडलूम के नाम से दो संस्था बनाई थी। उस संस्था के माध्यम से तमाम जो तो माल विदेशों वगैरह में जाते थे, जिसकी ये यहाँ पर बुनकर बहुत खुशहाल था, इतनी बदतर स्थिति में नहीं था। लेकिन आज उस संस्था को ही बंद कर दिया गया, जिससे बुनकरों की और परेशानी हो गई। फिर उनके हैंडलूम को बंद कर दिया गया, जब उनकी साड़ी की निकासी बंद हुई तो हैंडलूम ही बंद हो गई। बुनकरों का संघर्ष इतना सा ही नहीं, 15,000 बुनकरों में भी कई ऐसे हैं जो भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। हुनर हाथों में होने के बावजूद भी घर परिवार चलाना बुनकरों के लिए बड़ी चुनौती है। लिहाजा कईयों ने वक्त से समझौता कर लिया है, बुनकर का पेशा छोड़कर कई मजदूर बन गए हैं, और जो आज तक कला के मोहपाश में फंसे हैं वो गुर्बत को जिंदगी के साथ ढूंढ रहे हैं। बहुत है हमारे यहाँ घर, पहले 20-25 कर गए थी हम लोग चलवाते थे, अब वो सब कारीगर मतलब काम नहीं कर रहे हैं, वो छोड़ दी, बुनकर छोड़ चुके हैं, अब लेबरी काम करने लगे हैं। देखिए पैकेज की बात जहाँ तक है, तो पैकेज तो तमाम आते हैं जाते हैं, पेपरों में टीवी में वगैरह हम लोग सुनते हैं, लेकिन हम तक पहुँचे तब तो
आम बुनकरों तक तो कुछ पहुंचता ही नहीं। सरकार कुछ भी कर ले, बुनकर डे मना ले, कुछ भी कर ले, जो मजदूर तबके के बुनकर हैं, जो असंगठित बुनकर हैं, उन तक तो कुछ पहुंचता ही नहीं। हम तो कलाकार बहुत हैं, लेकिन हमसे बड़े कलाकार नेता लोग हैं। वो आते हैं अपनी कला में फंसाने चले जाते हैं, और हम लोग की समस्या कोई सुनने वाला है ही नहीं। कोई पार्टी हो, हम लोग समस्या कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि हम लोग 100 रुपये रात भर मशीन चलाएंगे तो 100 रुपये काम करेंगे, बत्ती चलेगी वो भी चला गया, पूरे कारोबार लड़की लड़का सब लपके रहते हैं उस पर, काटी कोई भरता है, कोई मतलब अंटा भरता है, उसमें सब लोग पूरे लग लोग रहते हैं और मुश्किल से 100 रुपये काम करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ मोदी जी विदेश घूम घूम कर विदेश की तर्ज पर देश को चलाना चाह रहे हैं। विदेशों में जो भी संस्थाएँ हैं वो सरकार के अंडर में चलती, सरकार उनको ऋण देती है, उनके रोजगार को प्रोत्साहन देती है, उनके लिए मार्केटिंग करती है। हमारे यहाँ हमको ना मार्केटिंग है, ना रॉ मटेरियल के लिए सामान है, ना पैसा है, ना बैंक देती है। बुनकरों को तो एकदम नहीं देती है किसी तरह। अगर बुनकरों का उत्थान करना है तो बुनकर को ऋण उपलब्ध कराएं सस्ते रेट पर, उनको मार्केट का बाज़ार उपलब्ध कराएं जहाँ ये अपने तैयार माल बेच सके। पहले कुछ सेंटर्स थे जिसको बंद कर दिया गया। बुनकर की स्थिति बराबर कमज़ोर होती जा रही है। बुनकर खाएगा क्या जब तैयार माल ही नहीं बेच पाएगा, उसके माल डंप हो जा रहे हैं, 1000 का माल 300 में बेच दे रहा है, उसे कर्जदार हो रहा है, इसलिए भुखमरी पर आ रहा है, पलायन कर रहा है। तो पहले रोजगार उपलब्ध कराने के साधन उत्पन्न कराएँ, रॉ मटेरियल उत्पन्न कराएँ, मार्केटिंग उत्पन्न कराएँ, इनको ट्रेनिंग दें। सेंटर तो खोल रहे हैं लेकिन उसका औचित्य बताएं। जो भी योजनाएं आती है सरकार की ओर से, सारी योजनाएं सिर्फ हवा में रहती। बुनकर बदहाली का ताप झेल रहे और काशी की शान गंगा गंदगी का, गंगा के आंचल को निर्मल करने के लिए कई हजार करोड़ की योजनाएं बनी, लेकिन अफसोस तो यह है कि गंगा आज भी घोर कष्ट में है। गंगा का वजूद गंदगी की बदौलत खतरे में है। गंगा हर चुनाव में सियासी मुद्दा बनकर रह जाती है। शायद गंगा मैया को इसी का ज्यादा गम है। एक ऐसा मुद्दा जिसका संबंध उत्तर प्रदेश के 102 विधानसभा सीटों से है, क्या वो मुद्दा बन पाएगा इस विधानसभा के चुनाव में? कि जो गंगा उत्तर प्रदेश के 102 विधानसभाओं में है, संपर्क उसका गंगा से है, उन 102 विधानसभाओं को स्पर्श करती है, उन 102 विधानसभा सीटों पर गंगा का मुद्दा किस लेवल तक जाएगा? गंगा निर्मलीकरण के लिए सिर्फ सरकारी संसाधन से कुछ नहीं होगा। क्यों? कि भारत में जो नौकरशाह है वो प्रतिबद्ध नहीं है, जिसको हम कहते हैं कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। यह ब्यूरोक्रेसी बहुत भ्रष्ट है और राजतंत्र भी बहुत भ्रष्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी बहुत भ्रष्ट हैं। मिनिस्ट्री बना देने से और एक अपनी इस तरह की प्रतिबद्धता जाहिर कर देने से ही मात्र ये होता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे बहुत झिड़की दी है, केंद्रीय सरकार को ही दी है। तो हम समझते हैं कि देखिए, एक दुनिया में नदियों को, और ये बात सही है कि गंगा केवल नदी नहीं है, ये हमारे सांस्कृतिक एक आस्था और अस्मिता का भी एक हिस्सा है, लेकिन आम तौर पर नदियों को साफ करने के लिए जो एक जनरल एनवायरमेंटल कॉन्शसनेस एक पूरी की पूरी जनता के बीच में और रूलिंग पावर्स के बीच में और जो पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती हैं और जो विश्वविद्यालयों में या बाकी जगहों में संस्थाओं में काम करते हैं, उन सब के बीच में जब आम सहमति बनती है तब कोई